हेलो एवरीवन, मैं गायत्री हाउ टू मेक माफ सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी स्पाइसी क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाती है। आज आप लोग के साथ में ये नॉन स्टिक पेन में साथ में लोहे के तवे पे दोनों तरीके से मैं आपको ये फ़िश फ्राई करना बताऊँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस रेसिपी को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जिसने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और इस तरह की रेसिपीज़ आप लोग वॉच कर सको। तो यहाँ पर ये मैंने राहू फिश ली है जो है 1 kg। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है। इसको किस तरह से साफ की जाती है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। पूरी फ्रेश फिश को आप किस तरह से साफ कर सकते हो घर में बहुत इजी तरीके से, वो मैंने अपलोड किया है। यहाँ सभी फिश को मैंने धो के इस तरह से पानी इसका निकाल दिया है और इसको डाल दिया है ट्रे में। तो इस तरह से ट्रे में रख दीजिए तो ताकि जो एक्स्ट्रा पानी ना वो भी सूख जाए। तो देखिए इस तरह से ही हो गया है, पानी सूखने के बाद इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पर मैं 3 teaspoon रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर मैं दूसरे मसाले लूँगी, तो आप देखते रहिएगा, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैं कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ 2 teaspoon या 3 teaspoon, जिस तरह से आप फ्लेवर पसंद करते हो उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon। इसी के साथ यहाँ पर मैं खड़े गरम मसाले नहीं लूँगी, तो यहाँ पर 2 teaspoon होममेड गरम मसाला है वो लिया है। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ गार्लिक पेस्ट 2 teaspoon। इसी के साथ यहाँ पर मैं लूँगी ऑनियन पेस्ट 2 या 3 teaspoon के आसपास आप ले सकते हो, क्योंकि बाकी जो पेस्ट है वो हम बाद में यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले ले लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं, अगर जिंजर पाउडर नहीं है तो यहाँ पर मैं जिंजर पाउडर का वीडियो भी अपलोड की हूँ, तो वो देख लीजिएगा आप किस तरह से स्टोर करके जिंजर पाउडर रख सकते हैं। यहाँ पर 1 teaspoon में जिंजर पाउडर ली हूँ। साथ में यहाँ पर 2 या 3 teaspoon लेमन जूस ली हूँ। अगर लेमन जूस नहीं ले रहे हैं तो आप दही ले सकते हैं, अगर आप दही खाते हैं तो, बाकी मैं दही को स्किप करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 4 teaspoon। तो सभी को लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो लेमन जूस है ना, ये भी साल भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, बिना कुछ डाले आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा लेमन जूस, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ पर मैंने लिया है 4 teaspoon, यानी कि बड़ा स्पून होता है टेबल स्पून, वो भर के मैंने ऑयल लिया है, यानी कि 4 या 5 teaspoon ऑयल है। सबको डाल के अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पर सभी मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम ले लेते हैं हमारी फिश जो हमने साफ करके सुखा के रख रखी है, जिसका पानी ड्राई हो चुका है, उनको इस तरह से मसाले में हम एक एक पीस करके अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है उससे इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो बस इस तरह से सभी पीसेस को मैं करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी पीसेस को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है मसाले में, और इसको कम से कम 10 या 15 मिनट तक आप रहने दीजिए, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है डोसे का तवा, तो आप जो रेगुलर तवा होता है ना उस पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस पर मैं डालूंगी तेल, बिल्कुल देसी स्टाइल में, विलेज स्टाइल में आपको मैं फ़िश फ्राई करना बता रही हूँ। तो अगर आपके पास डोसे का तवा नहीं है तो आप जो नॉर्मल तवा होता है ना उस पर भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आगे आप देखिएगा मैं किस पर और फ्राई करना बताऊँगी। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है मैंने 2 चम्मच के आसपास। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, गर्म हो जाएगा तेल उसके बाद ही हम फिश रखेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर चलिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम फिश फ्राई कर लेते हैं। तो जितने हो सके ना उतने, इस पर वैसे तो बहुत सारे पीसेस आ जाएंगे लेकिन मैं कम कम पीस करके ही फ्राई करूँगी, क्योंकि ऑयल जो है ना वो बीच में ही है, तो बस बीच में ही हम 3-4 पीस रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पीस रख दिए हैं, अच्छे से जमा दिए हैं। अब इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। कम से कम एक साइड को फ्राई होने में 5 से 10 मिनट लगता है अगर आप मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। अगर हाई पे कर देंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा फ्लेम का। तो यहाँ पर जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तवे अपना आप ही है ना तवे को छोड़ देता है। तो ये देखिए तेल क्या बीच में है ना, इसलिए मुझे तेल को इस तरह से करना पड़ रहा है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो बस मैंने इसको पलट दिया है। तो बस इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे, लेकिन पहले पलट देते हैं इन सभी पीसेस को। बिल्कुल ध्यान से पलटिएगा क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। अगर आपको क्रिस्पी फ्राई करना है तो आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी ऑयल में भी काफ़ी अच्छे से फ़िश फ्राई हो जाती है।
तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से आपको निकालना है, तो बस मतलब निकल जाता है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेसिपीज़ कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जिनको बड़े प्यार से बहुत ध्यान से बनाया जाता है। तो चलिए बस ये पलट दिए हैं मैंने तीनों पीसेस को, और अब इनको दूसरे साइड से भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि या तो फ़िश चिपक जाती है या फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती, पीस टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो कम ऑयल लेंगे तो पीसेस काफ़ी अच्छे से फ्राई होंगे, और अगर आपके पीस चिपक जाते हैं तो आप उस पर ऑयल डालने के बाद हल्का सा नमक डाल दीजिए या फिर ऑनियन ग्रीस कर लीजिए तवे पर, तो आपके पीस जो है ना फ़िश के वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं बस निकाल लेती हूँ और गर्म गर्म सर्व करिए मसाले के साथ में, नींबू के साथ में, बहुत पसंद आएगा। अभी बारिश का सीज़न शुरू हो गया है तो गर्मा गर्म फ़िश फ्राई खाइए, सभी को खिलाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए दूसरा स्टाइल भी देख लेते हैं इसको फ्राई करने का। तो यहाँ पर हम ये लोहे का जो पैन है इसको हटा देंगे और रख देंगे हमारा जो आजकल चल रहा है, आजकल का काफ़ी समय से चल रहा है नॉन स्टिक पैन। तो इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फ़िश फ्राई करने में, बहुत ही ईजिली फ्राई हो जाती है, कम तेल में काफ़ी अच्छे से फ्राई होती है। तो अधिकतर लोगों के घर में क्या ये रहता नहीं है, नॉन स्टिक पैन जो है वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने लोहे के तवे पर बताया है आपको फ्राई करना। तो यहाँ पर देखिए नॉन स्टिक पैन में कितनी सारी फ़िश मैं एक साथ फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है, चिपकती नहीं है, मेन तो ये है। तो अगर हो सके तो आप नॉन स्टिक पैन खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस तरह की रेसिपीज इन पैनों में बहुत अच्छी बनती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो चलिए इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चिपकने का डर नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर इसको पलटिए, कुछ नहीं होगा इसमें। तो इसको एक साइड से पक जाएगी ना, उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी। तो देखिए काफ़ी ईजीली मतलब अच्छे से पलट जाती है ये। काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुई, मसाला भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसमें चिपका हुआ है। तो बस गर्मा गर्म सर्व करिए, दोनों तरीके से मैंने आपको फ़िश फ्राई करना बताया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ़िश फ्राई की ज़रूर बताइएगा। जो हमने मसाला रखा था ऑनियन का, अगर आप चाहो तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो, इसीलिए मैंने मसाला रखा था क्योंकि मुझे आधे पीसेस की सब्ज़ी बनानी है, तो इस तरह से फ्राई करके सब्ज़ी भी बना सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।